नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बीडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी F22 के टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके सारे फीचर्स के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी F22 का अनबॉक्सिंग मैंने 2 दिन पहले किया था और आज इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं क्या है इसके टिप्स एंड ट्रिक्स और क्या है इसके फीचर्स। इस फोन की जो सेटिंग्स है, फोन के जो इंटरनल फीचर्स है, वो मैं सारे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा और इनमें से हो सकता है बहुत सारे फीचर्स आपको मालूम ना हो, इसलिए वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक देखिए ताकि आप फोन के सारे फीचर्स को जान पाए और अपने फोन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर से। नोटिफिकेशन ड्रॉअर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्राइटनेस स्लाइडर है, लेकिन ये आपको 2 बार ड्रैग करना पड़ता है। 2 बार ड्रैग करने के बाद आप देख पाते हैं, लेकिन अगर आप एक ही ड्रैग में देखना चाहते हैं, जैसे एक बार ड्रैग हुआ तो आप अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज को करने के लिए आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन स्लाइडर को ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्विक पैनल लेआउट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शो ब्राइटनेस कंट्रोल अबव इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके डन कर देंगे तो जब भी आप ऐसे फर्स्ट में स्लाइड करेंगे तो आपको फर्स्ट में ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे और एक कूल ट्रिक है, आप ऐसे ड्रैग करके भी अपने नोटिफिकेशन ड्रायर को ऊपर से नीचे ला सकते हैं। ऐसे आपको ऊपर से नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे और एक कूल ट्रिक है, आप अगर चाहे तो अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से ऐसे ड्रैग करके नोटिफिकेशन ड्रॉअर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी भेज सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको एकदम नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा एडवांस फीचर। एडवांस फीचर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मोशन एंड जेस्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फिंगर सेंसर जेस्चर। इसको आपको एनेबल करना है। इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो देख सकते हैं ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर से आप नोटिफिकेशन स्लाइडर को नीचे और ऊपर दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों, नोटिफिकेशन टॉगल्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे QR कोड स्कैनर डायरेक्टली इनबिल्ट दिया गया है। तो अगर कोई भी QR कोड स्कैन करना है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन ड्रॉ कर नीचे लाइए और QR कोड स्कैनर चालू कर दीजिए। और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा फीचर है यहाँ पे लाइव कैप्शन का। लाइव कैप्शन को आप यहाँ पे ऊपर से नीचे ड्रैग करके ला सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी दिया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे दिया गया है और म्यूजिक शेयर का फीचर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब फीचर को आप ऊपर से नीचे ड्रैग करके ला सकते हैं। लाइव कैप्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो किसी भी वीडियो आप लोग ऑनलाइन मीडिया में देख रहे हैं, यहाँ की यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, कहीं पे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे आपका जो कैप्शन है, अगर कैप्शन नहीं रहता है वीडियो का तो ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ इंग्लिश के अंदर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रहा है और वीडियो के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लाइव कैप्शन चल रहा है। जो लाइव कैप्शन है वो यहाँ पे काम कर रहा है, लाइव टाइम में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे रहा है। तो ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपको CC की जरूरत है, कुछ कुछ वीडियोज या कुछ कुछ मूवीज के अंदर में आप लोगों को सबटाइटल्स देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पे आप इस चीज को अगर ऑन कर देते हैं तो आप बहुत ही आराम से सबटाइटल्स भी देख पाएंगे। यहाँ पे एक और फीचर है नियर बाय शेयर का। नियर बाय शेयर एक काफी अच्छा फीचर है। इसके मदद से आप लोग किसी भी दूसरे एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर नियर बाय शेयर को ऑन करके बड़े बड़े फाइल्स यानी कि 1 GB तक 2 GB तक का फाइल भी आप इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करे। या फिर अगर आप चाहे तो नियर बाय शेयर से भी रिसीव कर सकते हैं और ये वाईफाई के थ्रू होता है, हॉटस्पॉट के थ्रू, तो इसलिए आपका डेटा खर्च नहीं होता है। साथ साथ बहुत ही फास्ट ट्रांसफर स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि पुराने दिनों में जब आप जिंडर या फिर शेयर जैसे ऐप यूज करते थे, यहाँ पे वो सब ऐप इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी फीचर है। दोस्तों, हर फोन के अंदर आप लोगों को फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, लेकिन इस फोन के अंदर फ्लैश लाइट में एक ट्रिक आपको दिया गया है। नॉर्मली फ्लैश लाइट तो आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश लाइट के ब्राइटनेस लेवल को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो फ्लैश लाइट के आइकन को लॉन्ग प्रेस कर लीजिए। करने के बाद इसको अगर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस स्लाइडर को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा ब्राइटनेस आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप लोग ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। डार्क मोड का फीचर आपको इनबिल्ट फोन के अंदर देखने को मिल जाता है और आप ये नोटिफिकेशन स्लाइडर से ही कर सकते हैं। यहाँ पे डार्क मोड को एनेबल कर दीजिए तो यहाँ पे फोन में जो सिस्टम वाइड डार्क मोड आपको देखने को मिल जाएगा। हर किसी ऐप के अंदर आपको डार्क मोड वाला फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं डार्क मोड यहाँ पे दे दिया गया है। और दोस्तों, फोन में फर्दर अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को कॉल के कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। और यहाँ पे कॉल के सेटिंग्स बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, हो सकता है ये फीचर्स आपके कंट्री के अंदर ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिया से फोन यूज कर रहा हूँ। आपके अगर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में है तो वहां पे शायद हो सकता है कि ये फीचर्स ना हो। तो डायल के अंदर सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं आप लोग और वहां पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक नंबर्स का फीचर। यहाँ पे आप लोग सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं,
या फिर प्राइवेट नंबर को अगर ब्लॉक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर को ब्लॉक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसी हिसाब में यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड के अंदर आप जाके सारे कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक दिया गया है कि आप लोग अपने लाइब्रेरी से कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैमसंग इसमें कोई भी लायबल नहीं रहेगा अगर आप उस रिकॉर्डिंग को कहीं पे यूज करते हैं तो। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप स्पेसिफिक नंबर्स के ऊपर भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल अनसेव नंबर्स या फिर कॉल्स विद स्पेसिफिक नंबर पे आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कॉल स्पेसिफिक नंबर पे रिकॉर्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिक उन नंबर से जब भी कॉल आएगा तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक और अच्छा फीचर दिया गया है कॉल बैकग्राउंड का। कॉल बैकग्राउंड को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका कॉल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो इनका लेआउट चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया है। साथ ही में अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वीडियो बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसको वीडियो बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और कूल ट्रिक है वो मैं आप लोग बता देता हूँ। आप अपना खुद का एआर इमोजी एज ए बैकग्राउंड सेटअप कर सकते हैं कॉल बैकग्राउंड, या फिर अगर आपके पास कोई भी दूसरा वीडियो है तो वो भी आप एज ए कॉल बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इससे ऐड का ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई फोटो या फिर वीडियो आप एज ए कॉल बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फोन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन का स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक है ब्रीफ स्टाइल और दूसरा है डिटेल स्टाइल। डिटेल के अंदर जाएंगे तो डिटेल में आपको स्लाइड दिखेगा, नोटिफिकेशन इतना बड़ा करके दिखेगा, और ब्रीफ में करेंगे तो छोटा सा विंडो में आपका दिखेगा। ब्रीफ पॉप सेटिंग्स का कुछ यहाँ पे सेटिंग्स भी दिए गए हैं, और उसके अंदर में आप लोगों को मिल जाता है एज लाइटिंग इफेक्ट्स। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही में कुछ एज लाइटिंग इफेक्ट्स आप लोगों को दिखेंगे। देख सकते हैं पूरा दिखा रहा है आपको यहाँ पे कैसे नोटिफिकेशन और कैसे एज लाइटिंग आप लोगों को दिखेगा। और एज लाइटिंग का जो है यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में है, तो मैं अगर चाहूँ तो उसका कलर रेड कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, येलो कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऐप कलर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप ऐप कलर भी कर सकते हैं। तो ऐप का जो कलर है उस हिसाब से यहाँ पे कलर में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ दिए गए हैं इफेक्ट्स, तो आप अपने हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं। फोन के अंदर डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मोशन स्मूथनेस देखने को मिलता है, यानी कि इस फोन के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो आपका ऑलवेज ये हाई पे रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैटरी ज्यादा सेव करना चाहते हैं, अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हेवी यूज होता है तो उसमें आपको अगर बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप यहाँ पे हाई को चेंज करके स्टैंडर्ड कर देंगे तो आपको बहुत बेहतर बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन आपका स्क्रीन जो है 60 हर्ट्ज पे कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीन मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बाय डिफॉल्ट ये विविड पे रहता है, लेकिन अगर आपको ये एमोलेड डिस्प्ले का तलक तलक रहता कलर जो है उतना पसंद नहीं आता है तो आप नेचुरल कर सकते हैं, तो इससे कलर्स थोड़े से म्यूटेड हो जाएंगे। फॉन्ट साइज एंड स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल अपने हिसाब से, साइज आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट भी कर सकते हैं जिससे आपको देखने में इजी रहेगा। और फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो डाउनलोड फॉन्ट्स भी यहाँ पे कर पाएंगे। एज पैनल का एक फीचर आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो इस तरह से साइड में आपको एज पैनल देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक एज पैनल दिया गया है, तो एज पैनल के अंदर आपको बहुत सारे यूजफुल एप्स देखने को मिल जाते हैं। आप अपने पसंदीदा एप्स यहाँ पे रख सकते हैं, मोस्ट यूज्ड ऐप को, तो उस तरह से आप लोग एज पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है, एडिटिंग के अंदर जाके आप यहाँ पे अपने पसंदीदा एप्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। नेविगेशन बार का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नॉर्मल बटन से आप स्वाइप अप जेस्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप अप जेस्चर करेंगे तो आप ऐसे स्वाइप करके फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं जेस्चर सेंसिटिविटी दिया गया है, कितना ज्यादा या कितना कम होगा उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जेस्चर हिंट अगर आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। शो बटन टू हाइड कीबोर्ड इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। टच सेंसिटिविटी की यहाँ पे इंक्रीज करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको अगर आप लोग इंक्रीज करते हैं तो ग्लव्स वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका बेहतरीन यहाँ पे उपयोग होगा। फोन के अंदर थीम्स का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। फोन के अंदर जो थीम्स दिए गए हैं उनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, आप इनको डाउनलोड करके अपने फोन का लुक टोटली चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री थीम या फिर मैक्सिमम पेड थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करने पर आप फ्री थीम्स यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे।
वॉलपेपर्स भी काफी अच्छे अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे, बहुत सारे वॉलपेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, काफी कूल और काफी स्टाइलिश वॉलपेपर आप लोग चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइकन्स का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपको पूरा थीम नहीं चेंज करना है सिर्फ कुछ आइकन्स चेंज करना है तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे आइकन्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारे कूल और स्टाइलिश आइकन्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, AODs यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्री मिलेंगे और बहुत सारे आपको यहाँ पे पेड देखने को मिल जाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बात कर ही रहे थे, चलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैप टू शो का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आप ऑलवेज देखना चाहते हैं तो ऑलवेज शो कर दीजिए और फोन को जब लॉक रखेंगे तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा चालू रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको टोटली पूरा कस्टमाइज यहाँ पे कर पाएंगे। कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल के अंदर जाना है, क्लॉक स्टाइल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 6 क्लॉक स्टाइल आपको दिए गए हैं, इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं और कलर चाहे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। और अगर आप चाहे तो बैकग्राउंड में कुछ जीप या कुछ वॉलपेपर भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इस्तेमाल कर पाएंगे। वॉलपेपर सर्विसेज यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे ग्लांस ऑन सैमसंग दिया गया है, डायनेमिक वॉलपेपर दिया गया है, डायनेमिक लॉक स्क्रीन दिया गया है। इनको अगर आप सेटअप करते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे और उन कैटेगरीज से आपके पास नए नए वॉलपेपर्स हर दिन चेंज होते रहेंगे। ग्लांस भी कर सकते हैं, ग्लांस के अंदर भी आप लोगों को कुछ वॉलपेपर्स मिलेंगे जिसके अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगे, तो उस हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसके अंदर में डिस्कवर पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको और ज्यादा रीड करने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों कुछ एडवांस फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस फीचर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में एक फीचर दिया गया है जो आप लोगों को मल्टीपल सैमसंग डिवाइस यूज करने में मदद करेगा। अगर आप सैमसंग का टैब या सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइस कर देंगे, तो यहाँ पे अगर आप किसी एक भी डिवाइस में ऐप यूज कर रहे हैं और आप दूसरे डिवाइस में स्विच कर लिए, यानी कि फोन से आप अगर आप टैब पे चले जाते हैं तो आपका जो ऐप है वहाँ पे कंटिन्यू होगा, यानी कोई चीज ब्राउज कर रहे हैं तो सेम चीज आपको वहाँ पे ब्राउज करता हुआ दिख जाएगा। साइड की यानी कि ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर का पावर बटन है इसका भी बहुत सारे काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड की मदद से आप लोग क्विक लॉन्च कैमरा कर सकते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर ये रहता है क्विक लॉन्च कैमरा पे रहता है, अगर आप 2 बार पावर बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे आपका कैमरा जल्दी से ऑन हो जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा ऑन ना करके कोई ऐप ओपन करना है तो आप ओपन ऐप पे जाके किसी भी दूसरे ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं और डबल टैप करने पे वो दूसरा ऐप जो है ओपन हो जाएगा। मोशन एंड जेस्चर का फीचर यहाँ पे दिया गया है और मोशन एंड जेस्चर के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे लिप टू वे, यानी कि फोन को अगर आप ऐसे रखते हैं और आप टेबल पे उठाते हैं, टेबल से उठाते हैं तो आपका फोन ऑटोमेटिक वेक हो जाएगा। देख सकते हैं नॉर्मली टेबल पे रखा है और ऐसे आप उठाते हैं तो फोन आपका वेक हो जाएगा। देख सकते हैं फोन को टेबल से उठाते ही फोन वेक हो गया है। डबल टैप से भी आप टर्न ऑन स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ पे और डबल टैप से टर्न ऑफ स्क्रीन भी कर सकते हैं। एक अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग, यानी कि अगर आप अपने फोन की तरफ देखते रहेंगे तो आपका फ्रंट कैमरे से आपके आई को डिटेक्ट करेगा, अगर आपका आंख स्क्रीन की तरफ रहेगा तो आपका डिस्प्ले जो है ऑफ नहीं होगा। 30 सेकंड का टाइमर भी अगर लगा है तो भी आपका डिस्प्ले ऑफ नहीं रहेगा, यानी कि अगर आप रीडिंग वगैरह कर रहे हैं फोन के अंदर तो आपका फोन कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे आपको बहुत ही मदद होगा। पाम स्वाइप टू कैप्चर यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अगर आप अपने हाथ को कैमरा की तरफ फोन के ऊपर रखते हैं और ऐसे स्लाइड करते हैं तो ऐसा स्क्रीनशॉट आपका फोन का बन जाएगा। और स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर ही रहा था तो स्क्रीनशॉट के यहाँ फीचर्स के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट के बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे जिनमें से लॉन्ग स्क्रीनशॉट एक फीचर है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देख सकते हैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट है वो बन के आ जाएगा। और अगर आपको क्रॉप करना है, एडिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करने के बाद एडिट कर सकते हैं। ये सब चीज आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। डुअल मैसेंजर का सर्विस आपको फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी सोशल नेटवर्किंग ऐप है उनका आप 2 अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे और दोनों अकाउंट सेम फोन से आप चला पाएंगे। गेम लॉन्चर का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, गेम लॉन्चर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सारे गेम का डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा।
साथ ही में कुछ गेम के सजेशंस भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ से आप लोग गेम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गेम का स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं और गेम का परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पे 3D टच जैसा फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करके आप ऐप के अंदर जाए भी नहीं कुछ कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे। गैलरी के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे गैलरी के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 3 डॉट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड्स आप बना सकते हैं यहाँ पे, या फिर व्यू डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट फोटोज अगर होंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके यहाँ पे एक साथ में दिखा देंगे। और यहाँ पे 3 बार को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ट्रैश का फीचर यहाँ पे दिया गया है, अगर आप कोई फोटो को मिस्टेकली डिलीट कर देते हैं और आप यहाँ पे आते हैं तो आप ट्रैश के अंदर उसको पा सकते हैं 30 डेज तक। 30 डेज के अंदर वो फोटो डिलीट नहीं होगा, आपको फोन के अंदर ही रहेगा, अगर आप चाहें तो उसको रिकवर भी दोबारा कर पाएंगे। कैमरे के अंदर एक अच्छा फीचर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन 48 मेगापिक्सल वाला कोई मोड आप लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप 48 मेगापिक्सल मोड में कैमरा फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको 3:4 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो शटर बटन है, शटर बटन को आप लोग दूसरे शटर बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक शटर बटन है और दूसरे को आप ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 शटर बटन चाहिए तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक को पोर्ट्रेट में और एक को लैंडस्केप मोड में करके शटर बटन कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी F22 के कुछ खास फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप लोग को और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।